सौभाग्य प्राप्त हुआ और अध्यक्षता करे हमारे कलेम चाचा जी और यहाँ की देवतुल जनता, हम आप लोगों के बीच में आए हैं, आपके भाई और के बेटा हैं। हम इतना आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि नाम काफी है हमारे हित में, काफी लोग हैं, सबका नाम लेने में समय लग जाएगा और समय कम है, चुनौतियां ज्यादा हम लोगों के पास। बीजेपी सरकार जो काम कर रही है आप लोग जानते हैं। अभी अरुणी पासवान जी ने बताया है 5 किलो राशन के बारे में, मछली पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है, ये मार्च तक केवल राशन आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, ये चीज जान लीजिएगा। अगर आप लोगों ने कहीं से गलती कर दिया, 10 मार्च को सरकार बनने जा रही समाजवादी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अगर कहीं पुनः तुम लोगों ने गलती, आप लोगों ने कुछ भी कर दिया, अगर कमल की सरकार आ गई, ये जान लीजिएगा 15 मार्च को 125 रुपए में पेट्रोल भराने के लिए तैयार रहिएगा। और आप लोग जानते हैं हम लोग किसान करते हैं, किसी उद्योगपति घर के नहीं है, 12 घंटा पोत रखा हुआ है, 12 घंटा बाप रखा हुआ है, वो काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी के साथ काम कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, आप लोग सचेत रहिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसे नेता है जो हर वर्ग को लेकर साफ काम करते हैं और जैसे सरकार बनेगी जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये राष्ट्रीय पत्र में है और घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, आने वाले 27 तारीख को माननीय पवन पांडे जी को साइकिल की बटन दबाकर आप लोग जिताने काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।